भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कासोगोड़ा बिराजदार जी के प्रचार में आज हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के फाइनेंस विभाग के राज्य मंत्री श्री भागवत कराड़ जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे सोलापुर से जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, सांगली से संजय काका पाटिल जी, हमारे धन सिंह रावत जी, यहां पर उपस्थित हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का दर्शन लिया और उसके बाद भगवान बसवण्णा का दर्शन प्राप्त करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों से भी मिलने का सौभाग्य मिला, इसका मुझे बहुत हर्ष है। हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव 10 मई को होने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इस बार हिंदी से भी हमारे बिरादार जी बहुत अच्छे मतों से चुनकर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी, इसका दूसरा नाम डेवलपमेंट है, विकास है। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया वो इस देश के गरीबों के बीच, किसानों के बीच आज एक मसीहा के रूप में वो उभरे हैं। और उसी प्रकार से हमारी कर्नाटक की सरकार ने भी आम आदमी के लिए काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान योजना से किसानों को हर वर्ष 6000 रुपया मिलता है, तो वहीं कर्नाटक की सरकार भी 4000 रुपया देती है, 10000 रुपया किसानों को देने वाली, ऐसी यह देश की एक पहली सरकार रही है। और आज करीब 50 लाख से ऊपर परिवारों को मोदी जी के योजना से शौचालय मिला है, 45 लाख परिवारों को कर्नाटक के निर्माण के बाद पहली बार पीने का पानी नल के माध्यम से उनके घर पे मिला है। आज हम देख सकते हैं कि हमारी बीपीएल बहनों को 2000 रुपया यह सरकार देती है। आज जिस प्रकार से हमारे युवाओं को अलग अलग प्रकार से एजुकेशन के लिए इस सरकार ने योजनाएं शुरू की है, वो योजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की योजनाएं हैं। और गरीब कल्याण का जो एजेंडा मोदी जी के माध्यम से चलाया जा रहा है, ये डबल इंजन की सरकार
उसको एक गति दे रही है। हमने देखा जिस प्रकार से समाज के अलग अलग घटकों को इस सरकार ने रिजर्वेशन दिया और जिस प्रकार से आरक्षण की मेन स्ट्रीम में समाज के भिन्न भिन्न घटकों को लाया, इसका भी एक बड़ा विश्वास एक सामाजिक न्याय करने वाली सरकार के रूप में इस सरकार की ओर देखा जा रहा है। अगर हम लोग यहां पर भी देखें तो रेवन्ना सिद्धेश्वर जैसे जो प्रकल्प है, इसका पूरा पैसा ये कर्नाटक की बीजेपी की सरकार ने दिया हुआ है और उसके कारण ये बड़े बड़े प्रकल्प आज पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से इस जिले में और कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े पैमाने पर रोड्स बने हैं, वो भी सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। यहां के जो एमएलए हैं, वो 10 साल में कोई भी काम अपने बलबूते पर नहीं कर पाए, जो काम हुए वो बीजेपी के सरकार के कारण आज यहां पर होते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल ही सामान्य घर से निकलकर जिन्होंने अपने सामाजिक कार्य को शुरू किया, ऐसे कासोगोड़ा बिरादार जी को यहां पर अपना उम्मीदवार नामित किया है। नगर पालिका में सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है, अलग अलग संस्थाओं में उन्होंने काम किया है, विशेष रूप से सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, इस प्रकार की सारी संस्थाओं में उनका अपना एक बहुत अच्छा कार्य रहा है। और जनता के बीच रहने वाले इस प्रकार के उम्मीदवार आज उनके रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है हम सभी लोग जानते हैं, आपस में बिखराव है, हर नेता अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, अभी चुनकर आने का कोई प्रावधान भी नहीं हुआ तब भी कई मुख्यमंत्री कांग्रेस में घूम रहे हैं। और सिद्धरमैया जी तो अभी सत्ता के मन में इतने चूर हो रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे लिंगायत समाज का अपमान उन्होंने किया, तो इससे यह ध्यान में आता है कि समाज के लोगों के लिए उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। और हमने देखा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ व्यवहार किया, एक प्रकार से कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है कांग्रेस में, यही हमको देखने को मिला। ऐसी ओछी हरकत वहां पर उन्होंने की, इसलिए मैं ये मानता हूं कि कर्नाटक के लोग मोदी जी के साथ जाएंगे, बोम्मई जी के साथ जाएंगे, फिर से डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में चुनकर आएगी और कर्नाटक को विकसित करने के लिए और यहां के गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए
किसानों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार मौका मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं बिरादार जी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत अच्छे वोट से वो चुनकर आएंगे। और आपके माध्यम से मैं जनता को अपील भी करना चाहता हूं कि यहां पर बिरादार जी को और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका मिले। धन्यवाद।